उत्तर प्रदेश के जनपद मथुरा से एक बड़ी खबर आपको बता दें। उत्तर प्रदेश के जनपद मथुरा में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पोस्टमार्टम हाउस का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि हाल ही में ही बदायूं पोस्टमार्टम हाउस प्रकरण को लेकर जहां चूहों ने फ्रीजर में रखी विवाहिता के शव से आंखें निकाल ली थी और कर्मचारियों ने सबको पॉली बैग में बंद करके परिजनों को सौंप दिया था। जानकारी होने पर परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। इसी के मद्देनजर जिला प्रशासन के आदेश पर गुरुवार को मथुरा जनपद के पोस्टमार्टम गृह पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पोस्टमार्टम हाउस का निरीक्षण किया, जहां चूहों नेवलों और शवों को सुरक्षित रखने के लिए फ्रीजर इत्यादि की जांच की गई। गृह का निरीक्षण किया गया, फ्रीजर खराब पड़े हुए हैं, क्या व्यवस्थाएं मिली हैं अगर बात की जाए तो? देखिए, वर्तमान समय में हमारे पास यहाँ पर 8 फ्रीजर हैं जो डेड बॉडी को रखने के लिए, जो आप खराब की बात कर रहे हैं ये बहुत पहले से खराब है। हमारा काम तो इन 8 डिफ्रीजरों से हो जा रहा है। आज हम लोगों का यहाँ पर संयुक्त रूप से मैं हूँ और हमारे साथ में डिप्टी सीएमओ हैं और हम लोग 3 लोग यहाँ पर विजिट करने आए थे, क्योंकि अभी कुछ सूचनाएँ इस तरह से प्राप्त हुई कि कुछ आसपास के जनपदों में जहाँ है कि डेड बॉडी को चूहे जा करके और चूहे हैं, नेवले हैं और इस तरह जा करके वहाँ उनको नुकसान पहुँचा रहे हैं, तो इस तरह की पुनरावृत्ति या इस तरह की चीज़ें हमारे जनपद में ना हो, तो हम लोग इसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ देखने आए थे कि अगर कोई इस तरह की बातें होंगी तो हम लोग उसका पहले से ही प्रिकॉशन करेंगे। तो क्या व्यवस्था पाई गई, क्या चूहे हैं पाए गए पोस्टमार्टम? देखिए, चूहे तो इस समय नहीं दिखे हैं, चूहे हैं, लेकिन अगर संभावना इस तरह की होती है तो हम लोग इसके आगे इसके बचाव के लिए कार्रवाई करेंगे। और जिस सरकारी विभाग के स्वास्थ्य विभाग के 8 फ्रीजर खराब पड़े हुए हैं, क्या व्यवस्था है, कब से ठीक हो पाएंगे? देखिए, 2 चीज़ें कंडम्ड है जो उससे हम उसको ठीक नहीं करा सकते हैं, उसको तो हम नहीं ठीक कराएंगे, लेकिन हमारा काम तो इस समय हमारे पास 8 डी फ्रीजर है ना, ये चल रहे हैं, इससे हमारा काम हो रहा है विस्तार रूप से। डॉक्टर, इस टाइम बताया जा रहा है कि अभी जो डेड बॉडी है उनमें चूहे लगे मिले हैं। भाई देखिए, जो बताया जा रहा है कि डेड बॉडियों में चूहे लगने की बात है, इसी परिपेक्ष में हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं मुख्य शिक्षा अधिकारी महोदय के निर्देश पे। हम लोग इसको देख करके जा रहे हैं, जो भी समस्याएं अगर ऐसा सुधारात्मक होगी इसमें हम लोग बात करेंगे। इसका